दोस्तों नमस्कार। यहाँ एक भैंस है जिसमें हिस्ट्री है कि उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है, फ्रेश ब्लड आ रहा है, और ओनर का कहना था कि इसके हर जगह से लगभग ब्लड आ रहा है। और जब वो देख रहे थे तो आँख में ब्लीडिंग हो रही है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आँखों के अंदर इसमें ब्लीडिंग है, और साथ ही साथ ये जहाँ पे भी कहीं इंजरी हो रही है या कहीं से टच कर रही है वहाँ पे स्वेलिंग हो जा रहा है, यानी हीमाटोमा हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो पीछे का एरिया है ये दीवार से लगने के बाद यहाँ पे सूजन आ गई है, हीमाटोमा हो गया है। यूरिन में बहुत ज़्यादा ब्लड है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके कान से भी ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि हर ओरिफिस से ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कान के अंदर से ब्लीडिंग, और साथ ही साथ आँख में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ब्लीडिंग हुई है। तो कान से ब्लीडिंग, आँख से ब्लीडिंग, और जहाँ पे भी इसे इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पे स्वेलिंग होती है, यानी हेमाटोमा बनता है। तो अभी तक आप लोगों ने पहचान लिया होगा कि ये जो केस है किसी न किसी तरह से पॉइजनिंग का है, जिसे हम लोग ब्रोमडायलोन पॉइजनिंग कहते हैं। ब्रोमडायलोन एक सुपर वारफरिन के ग्रुप में आता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके जो जहाँ पे इंजेक्शन लगाया गया है वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है। तो जो सिंथेटिक वारफरिन हैं उनकी पॉइजनिंग बाफलोज में आजकल एक्सीडेंटल या मलेशियस रूप से होती है। जो ब्रोमडायलोन है ये मॉर्टिन रैट किल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, और ये पोटेंट विटामिन के का एंटागोनिस्ट है। तो जब विटामिन के का एंटागोनिज्म हो जाता है तो ब्लीडिंग डिजॉर्डर होता है, और लगभग हर ऑरिफिस से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तो इस केस में भी जब ओनर से पूछा गया तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसने रैट किल का इस्तेमाल किया था, और पॉसिबल है कि इस भैंस ने गलती से उस चारे उस भूसे को खा लिया हो जिसमें उसने ब्रोमडायलोन रखा था। ये हमारे स्टूडेंट के पास केस आया था कंसल्टेंसी के लिए, लेकिन हमारे तक आने से पहले ही कोलैप्स कर गई थी। तो यहाँ पे आपको इलाज के लिए विटामिन के देना होता है, और साथ ही साथ लीवर टॉनिक देना। इस तरह के जब भी केस आपके पास प्रेजेंट हो उसका प्रॉपर हिस्ट्री लीजिए, और जो सुपर वारफरिन्स हैं यानी कि मॉर्टिन रैट किल है उसके पॉइजनिंग को सस्पेक्ट करते हुए आप हिस्ट्री लेना चाहिए, और अकॉर्डिंगली फिर आपको ट्रीट करना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।